हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स रेड विद राहुल सर। आज हम आपके लिए आए हैं मैथ में क्लास 12 एक्सरसाइज 7.4 सम नंबर 3 पार्ट नंबर 1। डिफरेंशिएट ऑफ द फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट ऑफ द फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स है y इक्वल टू में a की ax * cos bx + c। इसका डेरिवेटिव है आपने निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव गाइस dy / dx। y का डेरिवेटिव है dy / dx is equal to में ये गाइस फंक्शन बन जाएगा 2। इसको आप u बोल देंगे, इसको आप v बोल देंगे। u into v प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब आपको पता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस तरीके से गाइस आपको मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करना, तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल देंगे। फर्स्ट एज इट इज अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy / dx is equal to में यस गाइस। अब कॉमन क्या है इसमें, इसमें कॉमन गाइस एक e की ax कॉमन है। अब कॉमन निकाल लेंगे e की ax * में b आगे लिखेंगे तो माइनस b प्लस वाला पहले लिख सकते हैं, प्लस वाला पहले लिख सकते हैं, तो a आ जाएगा a cos a o में bx है प्लस c माइनस है बी साइन ऑफ ए बी एक्स है प्लस सी। इस तरीके से आपने यहाँ सॉल्व करना था। यस गाइस, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर सेकंड। यस गाइस, सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू e की a माइनस a x स्क्वायर साइन लॉग ऑफ x। इसका डेरिवेटिव गाइस आपने सेम तरीके से निकालना होगा u * v वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो गाइस इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल देंगे। डिफरेंशिएशन है वो है x है और y विद रिस्पेक्ट टू x है। y का डेरिवेटिव है dy / dx। यस गाइस, फर्स्ट एज इट इज e की माइनस ax स्क्वायर एज इट इज into में डेरिवेटिव ऑफ साइन है। साइन का डेरिवेटिव है होता है कोस है, एंगल लुकिंग होती है। into में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में पड़ा लॉग एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1/x कम कंप्लीट प्लस है। सेकंड एज इट इज साइन ऑफ है लॉग ऑफ है एक्स एज इट इज into में डेरिवेटिव ऑफ e की x का, तो e की x का लुकान माइनस ax स्क्वायर into में a x स्क्वायर का डेरिवेटिव है माइनस a ऊपर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x एंड इतना ही, ठीक है भाई। अब गाइस dy / dx ऊपर कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है गाइस e की पावर हो माइनस a x स्क्वायर ऊपर कॉमन है, ठीक है। यस गाइस, अब ये वाले प्लस में वैल्यू है पहले लिखेंगे, तो cos ऑफ a log ऑफ a x by x एज इट इज माइनस करके 2 ऊपर ax ऊपर 2ax, ठीक है। ये इनटू में ना, इनटू में sin है ऑफ log ऑफ x। इस तरीके से गाइस आपने ये आंसर बनाना था। तो यस गाइस, दिस इज आवर आंसर, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब चलते हैं गाइस आपके नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 3। यस गाइस, थर्ड पार्ट में y इज इक्वल टू a की 2x है log ऑफ sin √x। ये गाइस इसमें भी गाइस आपको लगाना होगा कोसेंट रूल लगाना होगा। सबसे पहले आपको ना, उससे भी पहले आपको a की x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि a की x का डेरिवेटिव होता क्या है dy / dx ऑफ a की x।
एक ही x का डेरिवेटिव होता है गाइस एक ही x, बट इनटू में आ जाता है log of a, तो बेसी होता है ये होता है log एक ही x का डेरिवेटिव है, एक ही x इनटू में log a टू बेस e, ये होता है इसका डेरिवेटिव, ठीक है ये सही। अब इसका भी डेरिवेटिव आपने निकाला विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, तो y का डेरिवेटिव निकालेंगे dy / dx बनेगा Yes guys, इसमें भी u into v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, u into v वाला लगाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव है log of x का डेरिवेटिव है 1 upon में sin root x, into में sin का डेरिवेटिव cos है root x, into में root x का डेरिवेटिव है 1 upon में 2 root x प्लस है सेकंड एंटिटी। अब मैं उसको साफ करना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा सा आसान से सांद्रिक से समझाया जाए, ठीक है। अब सेकंड एंटिटी मतलब log sin of root x एंटिटी इनटू में डेरिवेटिव ऑफ a की x का, a की x का a की x ऊपर इनटू में log a आएगा तो बेस ही आएगा, इनटू में x का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव हो गया x का, 2x का डेरिवेटिव 2 हो रहा है, याद रखना भाई थोड़ा सा टिपिकल है बट आसान है। तो डेरिवेटिव है dy / dx क्या बना, dy / dx बना, अभी निकाल देते हैं आंसर। इसमें कॉमन देखो बेटा, इस क्या कॉमन, कॉमन है इसमें एक ही 2x कॉमन है, जैसे मैंने क्या कहा तो नहीं बन गया भाई, जैसे बता चुका क्योंकि ये इसके इनटू में यानी कि सारे के इनटू में, ये आप इसकी नेगेटिव कर सकते हैं पूरे में से कॉमन है भाई, एक ही 2x कॉमन, एक ही 2x कॉमन है इनटू में, अब पूरे में से कॉमन निकालना, इसको अरेंज करेंगे cos / sin, देखो ध्यान से cos / sin cot बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा cot √x बन जाएगा by में 2 नुकसान √x नुकसान, ठीक है प्लस है हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।